हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है? सबसे पहले आता है डेटा। डेटा किसे कहेंगे? द फैक्ट ऑफ फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज क्वालिटेटिव कलेक्टेड विथ अ डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डेटा। जो किसी पर्पस से डिफाइन किए गए हों, जो न्यूमेरिकल्स में हों, वो हमारे डेटा हैं। डेटा इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ लैटिन वर्ड डेटम। अब ये डेटा कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड है ये, और लैटिन वर्ड डेटम से ये वर्ड्स यहाँ पर आया है। स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडी। ये मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है। दस स्टैटिक्स डील विथ कलेक्शन, इसे कलेक्शन के लिए ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेटा। द वर्ड स्टैटिक्स इज यूज इन टू डिफरेंट कंटेक्स्ट। इन प्लूरल सेंस इट मीन्स न्यूमेरिकल डेटा, इन सिंगुलर सेंस मीन द सब्जेक्ट डीलिंग इन डेटा एनालिसिस। अगर हम कहें कि स्टैटिक्स क्या है, तो हम बोलेंगे कि डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है, फिर उसको उसके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, उसका एनालिसिस करना, एनालिसिस करने के बाद में उस पर से डिसीजन मेकिंग करना, ये हमारा स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। अब देखिए, इसमें डेटा कैसे होते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा में फर्स्ट तो होता है प्राइमरी डेटा, और सेकंड होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा किसे कहते हैं? व्हेन द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हरसेल्फ और हिमसेल्फ विथ अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव इन हर और हिज माइंड द डेटा ऑब्टेंड इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा के बारे में समझें कि जब कोई भी इन्वेस्टिगेटर खुद से ये डेटा कलेक्ट करता है किसी पर्पज के लिए, तो वो कहलाता है प्राइमरी डेटा। जैसे हमारा पॉपुलेशन काउंट होता है एवरी 10 ईयर्स में, तो गवर्नमेंट क्या करती है? सभी टीचरों को भेजती है क्या करने के लिए? डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो हाउस टू हाउस जाके टीचर्स वो डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो कौन सा डेटा होता है? प्राइमरी डेटा होता है। सेकेंडरी डेटा, व्हेन द इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम अ सोर्स विच ऑलरेडी हैड द इन्फॉर्म स्टोर्ड। जो ऑलरेडी इन्फॉर्म किए गए हैं, ऐसे जो सोर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे सेकेंडरी डेटा कहलाते हैं। जैसे कि हमने जैसे अभी बताया कि पॉपुलेशन काउंट होती है, ठीक है, तो वो हमारा प्राइमरी डेटा है। अब जो काउंट हो चुकी है उसी डेटा को कोई दूसरी कंपनी अपने पर्पज़ के लिए लेती है, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा? सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। तो देखिए, अब एक्सरसाइज 14.1 देखें। गिव द 5 एग्जांपल ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। तो 5 एग्जांपल ऑफ डेटा दैट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम डे टू डे लाइफ कैन बी गिवन एज ब्लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम न्यूज़पेपर ऑन टीवी। सबसे पहले इलेक्शन का रिजल्ट होता है, पूरा हमें डेटा दिया होता है, कौन सी जो पार्टी है, कितनी सीटें आई हैं उसकी। द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्री ग्रोन इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में कितने ट्रीज हैं उसकी काउंट कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ इनवॉइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लास्ट 1 ईयर एट आवर होम, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल आते हैं, तो लास्ट 1 ईयर के अंदर हमारे इलेक्ट्रिसिटी के कितने बिल आए, उसके जो डेटा हैं कि मीटर रीडिंग कितनी हुई, वो भी सभी डेटा ही कहलाते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल में फर्स्ट से लेकर 12th तक के कितने स्टूडेंट हैं, वो डेटा। देन 5th आता है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन लास्ट एग्जामिनेशन बाय द स्टूडेंट इन आवर क्लास, हमारे इस क्लास के अंदर पर स्टूडेंट एच स्टूडेंट के परसेंटेज कितने आए, तो वो भी हमारा एक डेटा है। सेकेंड में देखिए, क्लासीफाई द डेटा इन क्वेश्चन 1 अबाउट द प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, हमें ये करना है कि ये प्राइमरी डेटा है कि सेकेंडरी डेटा है। तो देखिए, अमंग द 5 डेटा गिवन एज द आंसर टू क्वेश्चन 1, डेटा नंबर 2, 3 एंड 5, देखिए, द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्री, हमारे स्कूल में हम काउंट करते हैं, दूसरा काउंट नहीं कर रहा है, तो वो कौन सा कहलाएगा? प्राइमरी डेटा। ओके, थर्ड देखिए, अमाउंट ऑफ इन्वॉइसेज इलेक्ट्रिसिटी फॉर लास्ट 1 ईयर एट अवर होम, हमारे घर पर कितने इन्वॉइस आए हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के, वो तो हम ही कलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे लिए प्राइमरी डेटा हुआ। और एग्जामिनेशन बाय द स्टूडेंट इन अवर क्लास, परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड एट लास्ट एग्जामिनेशन, वो भी डेटा हम ही कलेक्ट करते हैं। तो ये 2, 3 एंड 5 हमारा क्या हुआ? प्राइमरी डेटा। देन फर्स्ट में देखिए, इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम न्यूज़पेपर और टीवी,
तो इलेक्शन कमीशन काउंट करता है इलेक्शन के जो वोट्स होते हैं, और वो काउंट करने के बाद में पूरा डिटेल न्यूज़पेपर को देता है। तो काउंटिंग किसने की? इलेक्शन बोर्ड ने की, इसीलिए वो प्राइमरी डेटा इलेक्शन बोर्ड के लिए हुआ, लेकिन न्यूज़पेपर और टीवी के लिए वो सेकेंडरी डेटा होगा। फोर्थ में देखिए, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग डिफरेंट स्टैंडर्ड इन आवर स्कूल, हमारी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ये डेटा किसके पास होगा? यस, स्कूल के पास होगा, लेकिन उसको यदि कोई दूसरा यूज़ करता है तो दूसरे के लिए तो क्या होगा, वो सेकेंडरी डेटा होगा। स्कूल के लिए प्राइमरी डेटा है, बाकी और जो दूसरे पीपल्स हैं जो इसको इन्फॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए वो क्या होगा, यस सेकेंडरी डेटा होगा। थैंक यू।